ममता बनर्जी को जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। ममता सरकार के बड़े मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया। पिछले कई सप्ताह से नाराज चल रहे सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को ममता सरकार और टीएमसी द्वारा इनके इस्तीफे की पहली किश्त माना जा रहा है। अधिकारी के इस्तीफे के बाद कल्याण बनर्जी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच सुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा चुनावी तैयारियों में जुटी टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी 30 से 35 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले से आने वाले सुवेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे थे और ऐसे में वे पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सुवेंदु अपना सियासी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में पार्टी के बैनर और ममता की तस्वीरों के बिना रैली कर चुके सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे पार्टी के सदस्य बने हुए हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उन्हें न तो निकाला गया है और न ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वे पार्टी के कई कार्यक्रम और कैबिनेट की बैठकों तक से गायब रहे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए सिपाही की भूमिका निभाने वाले सुवेंदु अधिकारी आखिर अब बागी क्यों हो गए? ऐसा क्या हो गया कि वे लगातार कुछ समय से पार्टी के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्यों टीएमसी उन्हें मनाने में जुटी हुई है? ऐसे कई सवाल हैं जो न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की राजनीतिक गलियारों में भी तैर रहे हैं। दरअसल सुवेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र पर बल्कि पूर्व मिदनापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी राजनीतिक दबदबा है। माना जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किया उससे भी वे नाखुश हैं। सुवेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी कई जिलों में 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बुरे प्रदर्शन ने टीएमसी को एक तरह से झटका दिया और विधानसभा चुनाव के लिए चेताया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं ली। लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ टीएमसी के कई नेता खुलकर सामने आ गए। ममता बनर्जी वही सब कर रही हैं जो प्रशांत किशोर उन्हें बताते समझाते रहे, और इसी वजह से सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बांकुरा में आयोजित एक रैली में खुद को राज्य के सभी जिलों का इकलौता पार्टी ऑब्जर्वर घोषित किया था। सुवेंदु अधिकारी के करीबी सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी को ममता की घोषणा पसंद नहीं आई और उन्होंने इस्तीफा देकर अपना मौन विरोध प्रकट किया। हालांकि सुवेंदु या टीएमसी के अन्य नेताओं ने इस्तीफा प्रकरण पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता के मुताबिक नेतृत्व और सुवेंदु के बीच वॉर ऑफ नर्व्स चालू हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस स्थिति का हल निकल आएगा। सुवेंदु अपने गृह जिले में पूर्वी मिदनापुर के अलावा पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूमि जिले में कुछ भागों में करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अगले साल अप्रैल मई में संभावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टीएमसी पिछले रास्ते से उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है। इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और सांसद सौगत राय को सौंपी गई है, जो सुवेंदु के साथ दो बार बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।